नमस्कार अर्गस न्यूज रूम को स्वागत करछि मु कमलाकांत। प्रत्येक दिन भली आज भी न्यूज रूम रे साधारण लोकों समस्या आम आपण पाखे रखिबु। ग्राउंड रु आम सहित आम रिपोर्टर माने जोड़ेबे एवं साधारण जनता कथा आम न्यूज रूम माध्यम रे आपण को निकट रे पहुंचिबु। आज जहाँ टॉपिक रही मंडी धान किणा जंत्रणा एक आम एथिपई कहछे कारण जब देखिबा मंडी समस्या को लेकि आम बारंबार खबर प्रसारण करछे ग्राउंड रिपोर्टिंग मध्य करिछे किंतु जे जो चाषी को धान किणा भी जाउछि तापरे मध्य तांको प्राप्य मिलूनी एभली अनेक उदाहरण आम आपन को आउ किसम पर भी देखेबू। तबे जहाँ नियम रही सरकार नियम जिते धान किणा जा तार 24 घंटा भितर से टंका मिल जाव एक कहा जा प्रचार करा किंतु प्रकृत में कौन होमती अनेक चाषी रही जाऊँगी जो वर्षकर परिश्रम से बिकला भी मिलूना। तो प्रथम आसतु किसी चाषी से भाई किसी चाषी प्रतिक्रिया शुणा जो मैंने धान बिकी तीन वर्ष समय बीती किंतु तांकु वर्तमान पर्यंत भी तांको प्राप्य मिल पाने आसंत शुणा 2019 दल दान सरकार को दिगला तेना कृषि संघ भी आम ये आम देखूँ आम आगुरी देखूँ से पैसा आज पर्यटन आमको मिली ना आम धान नहीं कर चावल बनई कर बिकिदेन कि आम पैसा आम पाई आज पर्यटन 145 क्विंटल रहा धानटा बिकिदे मुई से पैसा 2019 ना पाइबार आज जाए सरकार टे साय कर बोलकर आम चाहूँ और पैसा पाइम बोलकर भावुँ के आर धान किणा हो भेंडर स्लीव हो सब हो अथच आम आम कृषक संगठन नेतृत्व में बारंबार आम जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को दृष्टि आकर्षण कले भी तार सुफल किसी ना मिलला जेनटा गोटे दुखर कथा आज चाषी आजिकल लक्ष लक्ष टा दुई वर्ष है ना पाइबार आपने प्रतिक्रिया शुणुते मधु जन थे आदे पल्ली गांधी से 2019-20 जो देखा 400 क्विंटल धान बिकी 744,362 टाँचा पाइबार था किंतु 2019 जाए 2022 कि वर्तमान पर्यटन भी टंका मिल पारे से हीपरी जब देखा संबलपुर कथा देखा संबलपुर आउ एक संगीन अभियोग आसूँ प्रकृत में संबलपुर जो मंडी में मिलर मैंने मनमानी करी जिला बाहर अगर कौन जिलूर किसी गाड़ी आसूरी तेज से शीघ्र अनलोड करूँ जो जिलार आसू गाड़ी जाणीशु हईराण करमती रखा चाषी मैंने अधिक भड़ा देखते धान नष्ट होभली संगीन अभियोग रोचे आम संबलपुर भी जा प्रतिक्रिया भी ने तबे प्रथमे नुआपड़ा खड़ियाल जीवा गणेश रणा आम प्रतिनिधि मध्य रही गणेश जब देखा आम बरगढ़ कथा देखुले ओडिशार भातहांडी से कि भाव में चाषी को वर्तमान भी प्राप्य मिलनी नुआपड़ा कथा कौन से भी एमती अनेक चाषी रही थे जो मैंने धान बिक्री करेंगे कि प्राप्य वर्तमान भी मिलनी निर्वाचन मंडल विभिन्न मंडी समस्या लग रही आरंभ है स्थान स्थान वर्षा होती जड़ तुफान गत काल देखते नाम गोटे दृश्य डमझर मंडी में प्रबल वर्षा होता है कृतिम जहाँकि वर्तमान ये अंचल धान उत्पादन संख्या बढ़ुच्ची कि टारगेट कम आसान बस्ता बस्ता पड़ रही मंडी में कितु धान उठी पार नहीं चाषी हीनस्था होगा पड़ू तेणु अनेक स्थान चाषी धान भिजी गजा हमारे लगी धान बस्ता खराब होगा लगी समस्या नुआपड़ा जिले में लग रही जेहेतु खड़ियाल निर्वाचन मंडल विभिन्न धान मंडी में एभली समस्या लग रही सीनापाली कथा एवं जो केन्दुमुंडा कथ हो विभिन्न धान मंडी में समस्या लग रही चाषी तार उपार्जित धान को आनी बिक्री कर 2 टका अर्थ रोजगार कर सार पर चलेबार जो स्वप्न देखी चाषी आने की मंडी में वर्तमान हीनस्था होगा पड़ी जहाँकि जो पैक्स रे हो कि जिला प्रशासन बाबद हो जहाँकि जी टारगेट देवा कथा से टारगेट देवे विफल होती जिला प्रशासन और चाषी हीनस्था होगा पड़ी और राति हो दिन जगवे चाषी को रोचे जेपरी से जहाँ बर्तमान हाथीबंधा जो मंडी कथ कहूँ हाथीबंधा मंडी में टारगेट कम थी पर खबर प्रसारण पर टारगेट किसी दि जाए कि धान बस्ता पड़ रही सीनापाड़ी भी से भाया समस्या रही केन्दुमुंडा भी समस्या रही खड़ियाल निर्वाचन मंडल विभिन्न मंडी से भाया समस्या रही कहीं वर्तमान नुआपड़ा जिले में मेघुआ पाक जारी रहा वर्तमान प्राक मौसमी वर्षा आरंभ है तेणु वर्षा धान बस्ता भिजबारे जहाँकि गोटे प्रकार देखा जाऊँच तेज चाषी वर्तमान एवं धान बुणा कार्य आरंभ कर तार चेष्टा चलो अनेक स्थान से धान चषा करने लगी कि देखे तार धान उपार्जित रबी धान तार बिक्री हो पारे तेणु गोटे प्रकार चाषी मुंडे चड़क पड़ी और चिंता रही जाती जिला प्रशासन प्रति वर्ष देखुचे खड़ियाल निर्वाचन मंडल में अधिक रु अधिक धान उत्पादन होती किंतु जहाँ टारगेट दूसरी से टारगेट रे चाषी खुशी ना पैक्स धान उठे पार नहीं मिलर्स से धान उठे पार नहीं खास करके राज्य सरकार निहाती भाव टारगेट रही कारण सी जो भाव में बयानबाजी करज दल
तालमेल रोनी से प्रतिक्रिया शुणी ना जो प्रकृत में जिते धान एमएसपी कथ भी आसूरी ताक नहीं कि केमी भिन्न भिन्न मत प्रकाश पाई बीजेडी आसत शुणा वेलकम करुच्छ शहे टका को आम गोटे कथा मन पकड़ चाहूँ जे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बर्तमान 7.79 रे रूल करुच्छे ताकू जदि आपन कैलकुलेट करिवे 1940 टका गत वर्ष थला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे 7.79 इन्फ्लेशन होउछि तेणु मिनिमम 140 टका 138 टका रे 140 टका बढ़ेबा कथा 2930 टका प्रति क्विंटल करा जाउ एहा को नेकि मध्य बारंबार डिमांड करा जायछि दाबी करा जायछि बिजु जनता दल द्वारा उभय पार्लियामेंट मध्य रे एवं बाहर किंतु अभी पर्यंत ता उपरे कोनोसी कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जाय नाही केंद्र सरकार को द्वारा अपन प्रतिज्ञा सुनथले दुई जन के बयान भी तालमेल रहनी तबे संबलपुर सीधा सड़क जीवा मल भई आम प्रतिनिधि जोड़े सारी मल आपन जमी पूर्व भी कहते जितेबाला अनलोड करने कथ आसू चाषी को अजथा हईराण कर जिला बाहर गाड़ी आसते शीघ्र अनलोड करी जिला भितर आसूरी जाणीशु हईराण कर पचर कौन कारण जे मिलर मैंने किसी टाँग आदाय करेंगे एभली किसी कारण को लेकिन चाषी को हईराण कर देखो कमलाकांत वर्तमान समय आम रही संबलपुर भत्तार श्रीराम मिल भितर रही आपड़ देखुए ये हूँ मिल भितर दृश्य जो चाषी मैंने पाखापाखि तीन रु चार दिन हम धान लोड करके मंडी एटी को आने बिक्री करने कि मिलर धान किणुनि गाड़ी जो ट्रक और ट्राक्टर अच्छी अनलोड करूँ अंपट देखा चाषी मैंने कहीं जो तीन रु चार दिन धरिकी जो मिल भितर गाड़ी ढड़ा अच्छी या लोड जो होल्ड होल्डिंग पैसा चाषी मानक देवा पड़ी चाषी परिश्रम कौटी ना कौटी वृथा होनेपटे आप जो कथ आलोचना करते देखुए आप भितर मिल भितर कि परिमाण ये मिल भितर देखुए मिल भितर अनेक गाड़ी रही मिल बाहर रास्ता कड़े शह शह गाड़ी ढड़ा होती ट्रक ट्राक्टर में धान लोड होड़ाई कि चाषी एटी कौटी ना कौटी मिलर मनमानी जो पेशी होती है सीधा चाषी प्रतिक्रिया रखा आजा आप केन मंडी नईले धानटा केव आनल आज्ञा मुई सुनील प्रधान मुई तबला मार्केट रू आसी धानटा आज्ञा 10 तारीख एठा पहुँचला लेकिन आम बारंबार मु बाबू को 10 तारीख 11 तारीख भी जनई से लेबर प्रोब्लेम बताऊन प्राय 15टा भितर 15टा उपरे लेबर आसुचन से आज पर्यंत आज्ञा 10 तारीख रू मोर गाड़ीटा 10 चकिया ट्रकटा रहीगला आज 13 तारीख खाली हे बोले मत ट्रांसपोर्ट वाला आज डिटेल लगे बारंबार फोन करुच्चे चाषी को बोले मुझे सार आनी 500 पैकेट उपरे अच्छे हाँ उपरे अच्छे धान ठीक टाइम बिक्री है क्या असुविधा है बर्षा भी होगा जो आशंका करा जाऊँ हाँ आज्ञा से बर्षा के आम उपर के देखिक आमको गोटे डर लगुच बादल पाग आसले आमर आज जेन रिटर्न चार्ज टा किए देवा गोटे आम चाषी मैंने चिंतित अच्छू आउ प्राय आम तबला मार्केट आम कुकुड़ा पाली प्राय आज भी आम 10 तारीख गाड़ी आज्ञा बर्तमान भी 15टा खुणे अच्छी ए देखो कमलाकांत मुझे चित्र देखिए आपको हिसाब से मिल भितर गाड़ी रही है देखो आप पाखापाखी जो कहते तबला मार्केट एरिया चाषी थे कहते 15-20 गाड़ी मिल भितर बर्तमान समय रही जहाँकि चाषी मैंने सीधा सख अभोग करते जो डिटेन पैसा जो गाड़ी जो छिड़ा होते दिन टाँचा किए देव कहीं ये जो भड़ा रे कौटी ना कौटी धान बिक्री टू अधिक टाँचा हे सीधा सख चाषी मानक अभोग आई चाषी को प्रतिक्रिया रखा आज्ञा आप धान के आप किन मन रही है हमें ये तोला इतनो भाई छो केते आपन धान केते बिकिन छो मोटा अछे 110 पॉकेट जेबे धान आपन मंडी ने बिकितले आ मिल के 10 तारीख 10 तारीख पो आइन छो एका संगे दीता कर संगे ओना आइ जे बुझल मे 18 नंबर अछे आ गाड़ी माने अछन बुझल डिसन चार बुझल के ओते जो पड़ी बेहते कम के आनले हम दिन को 1000 लगा 400 सा देना 1000 टमाटर नेबे बुझल बोले से 3000 ए 4000 7000 टमा मोर 7000 टमा काना मिलबा मते मिल वाले आज्ञा जाइए कहीं देखमा बोल थे
ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଚାଷୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଧାନ ବିକିବ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦର ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମିଲର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ହେବ, ତ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ରଖିବା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହିଛି ମିଲ୍ ପଇସା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉନି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଘାରିଛି ଯେ କିଭଳି ଏ ଧାନ ଠିକ୍ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓହ୍ଲେଇବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ, ମିଲ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ପକାଉଛି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେତେବେଳେ ଉଠିବ, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କମଳାକାନ୍ତ ନିହାତରେ ମଳୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରିବି, କାରଣ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଦା ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀକୁ ହିଁ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ସହିତ ବର୍ଷାର ଭୟ ରହୁଛି, ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ବି ରହୁଛି। ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗଣେଶ ରଣା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼େଇଥିଲେ। ଗଣେଶ, ଦେଖିବା ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି କିଭଳି ମିଲରମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତରିକା ବି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧାନ କିଣିବା କଥା କୁହାଯାଏ ସେଇଠାରେ ଅଟକାଯାଉଛି, ସେମିତି ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ବୋଧ ହୁଏ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, ଏଭଳି କିଛି କରାଯାଉଥିବ, ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଚାଷୀ ଯାହାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଥିବା, ଏମିତି କେତେ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଖାସ କରିକି ଆମେ ବରଗଡ଼ର କଥା ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ନୂଆପଡ଼ାରେ ସେମିତି କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନି। ହଁ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିନଥିବା ମଧ୍ୟ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ସିନାପାଲି ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ଲକରେ, ସୀମାନ୍ତ ବ୍ଲକରେ, ଏଠାରେ କିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇପାରିନି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବୋଡ଼ାନ ଆଉ ଖଡ଼ିଆର ବ୍ଲକ, ସେଇ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖରିଫ ଧାନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯେଉଁ ଧାନ କିଣିବେ ଏବଂ ଧାନ ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରବି ଧାନ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିନି, ତ ସେମାନେ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରି ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି ଯେ ଖଡ଼ିଆଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳା ହୁଏ ଚାଷୀ, ଏଠାରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଲେଟ୍ରେ ଆସେ ସେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡମଝରରେ କାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ହୀନସ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବି ଯିବା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିନିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ବଳ ଭୂଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଚାଲିଛି ସେଠି ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳ ଆଉ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଟିଏ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେ ଭୋଗୁଛି, ତାପରେ ବି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଥମୁନି ସେ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଏଠି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଓ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ମିଲ୍ ଭିତରେ କିଭଳି ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ, ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଭଳି ଉଠିପାରୁନି, ଇଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବାଇଟ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନଉଥିଲୁ, ଏବେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ମିଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଖବର ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମିଲରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଯେ ପୁରାପୁରି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏଠି ଉଠିପାରୁନି ମିଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସାର୍ କିଆ ବୋଲେ କି ଇଏ ଦେଖି ନା ଚାଷୀ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରେ ଦୋ ତିନି ଦିନ ସେ ଗାଡ଼ି ୟାଁ ଖଡ଼ା ହେ କିସ ଲିଏ କିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେ ଜିସ୍ ଲିଏ ମୁଁ ଆପକୁ ଏକ ଚିଜ୍ ବତା ରହା ହୁଁ। जैसे क्या होता है, मार्केट जब चालू होता है सब मिलों को टारगेट दिया जाता है मंडियों में, तो हमारा जो भी टारगेट का धान आना चाहिए वो डेली बेसिस में नहीं आता है, कोई मंडी से चार गाड़ी, कोई मंडी से एक भी नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे परमानपुर में सपोज़ करिए हमारा टारगेट बचा हुआ था, तो लास्ट में ऐसा हुआ कि सब मिल का टारगेट ख़त्म हो गया, वहाँ जितना गाड़ी आया था वो सारा हमको भेज दिया गया, तो हमारा और भी मंडियों से धान आया, तो हमारे पास एक साथ 40 से 50 गाड़ी एक दिन में आ गया। और अभी आप देख रहे हैं गर्मी इतना है, कोई भी लेबर लोग काम करने फुल फ्लो में नहीं निकल रहे हैं, हमारा काम कोई भी दिन बंद नहीं हुआ है, काम अभी भी आप देख रहे होंगे दो तीन पार्टी काम कर रहे हैं।
लेकिन क्वांटिटी जो लेबर का चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो हम लोग को एक बार उनको रेस्ट भी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हम लोग इतना गर्मी में काम नहीं करेंगे, लेकिन काम कभी बंद नहीं हुआ है और हम लोग काम कंटिन्यू कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग क्लियर कर देंगे अंदर का जितना धान होगा। चासी लोग अभियोग कर रहे हैं जी, ये केवल संबलपुर जिला का जो भी गाड़ी आ रहा है उसको रखा जा रहा है, अदर डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी यहाँ के अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग करते ही नहीं है। चासी लोग अभियोग कर रहे हैं? नहीं, हमारा अदर डिस्ट्रिक्ट तो ऑर्डर ही नहीं है, हम सिर्फ संबलपुर ही कर रहे हैं। कितना आपका टारगेट है आप लोगों का? हमारा टारगेट है करीब 27,000। अभी तो फिलअप हो चुका है? लगभग हो गया है, और थोड़ा बैलेंस बचा है, मार्केट अभी क्लोज हो जाएगा, 4-5 दिन में फिलअप हो जाएगा सारी गाड़ी। अंदर में जितना गाड़ी आज मोस्ट प्रोबेबली कर देंगे सब खत्म, बाहर 10 गाड़ी है। हाँ, वो गाड़ी का मैं नहीं बोल पाऊंगा, अंदर का गाड़ी हम लोग कर देंगे आज। देखो तुले कमलाकांत सजा से लोग मिलर का प्रतिक्रिया होता है, मिलर कहते गोटे पटे समस्या रोला जे एटी को लेबर आसुना, जो श्रमिक मैंने काम करने कथा आसुना ठीक समय, कि अंपटे जो खरा रोच अधिक कौटि ना कौटे समस्या होती है। आप देखुए आम खबर प्रसारण कले आठ चाषी प्रतिक्रिया ने सजा सल ये खबर देखला मिलर घटनास्थल को पहुंचती आठ आसिक देखुंजे कि सजा सल से कहते आज समस्त गाड़ी जो हिसाब से मिल भितर जो जिते परिमाण गाड़ी रही ये समस्त गाड़ी धान को अनलोड कर सजा सल कहते चाषी को मैं आज प्रतिक्रिया रखा जिते बेले निजे मिलर आसिक प्रतिक्रिया रखिले ना आज्ञा कौन कहे मिलर आसिक कहले ना जे आज सन्या सुधा सब धान अनलोड कर आज्ञा मुई तो आज्ञा पहला दिन कहीजे मत डिटेन बारम्बार फोन कर बोल कर लेबर टी आज्ञा बढ़ोन चाषी लोक बोली आज्ञा कहीजे आज्ञा सामना सामना कहजे लेबर टी बढ़ोन आज्ञा मोर गोटे मोर बर्तमान 10 तारीख आज ये हाब आज्ञा खाली एवं पॉइंट को लगभग नुत लगे हाँ किंतु मुझे बिल मिलर को डेली जाइए आज्ञा को कही लेबर टी बढ़ोन आम चाषी मैं असुविधा हो डिटेन लगे आमको ट्रांसपोर्ट वाले फोन कर बहुत खर्चा पड़ी बोल सर क्या बोलेंगे जो चाषी लोग अभियोग कर रहे हैं जो वो जो 3-4 दिन से गाड़ी खड़ा है उनको तो भाड़ा ज़्यादा लगेगा ना उनको कैसे करेंगे ये तो चाषी लोग बद जितने डिटेंशन का ये प्रॉब्लम पूरा सीजन में नहीं रहता है मैं आपको जैसे बताया एक दिन में जब ओवर प्रेशर होता है ना तब आप अभी कोई भी मिल अब जाएंगे मेरा जितना नॉलेज में है कई जगह में गाड़ियां ऐसे डिटेन हो रही है कहीं 2 दिन हो रही है हमारे यहाँ 3 दिन हो गई वो लेबर का प्रॉब्लम के लिए हुआ है हम लोग इंटेंशनली किसी को हैरान करना नहीं चाहते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके ओके सर कहना कहते कौन ये लेबर नहीं आसवाल तो असुविधा होचे किंतु आपण मैंने चाषी मैंने देखु 3-4 दिन धान गाड़ी रखिकी छिड़ा होचन आपड़ भड़ा भी देवार के पड़वा किंतु मिलर तो कौचन यहाँ समस्या लेबर नहीं आसवाल सब असुविधा होती आज्ञा देखो आम ट्रांसपोर्ट रू मोर भाई जोड़े ट्रक आम मगेल गोटे ट्रक 2 ट्रक आसीचे आगे आधार आज्ञा ताटा 2 ट्रिप कर देना गोटे मिले बोले सेटा तमें मत डिटेनसन आड़ किसी मिलला चाषी लोग आज्ञा टे उपकृत है कमलाकांत दुई पक्ष प्रतिक्रिया रखुला गोटे पटे चाषी को प्रतिक्रिया रखुला अंपटे मिलर को प्रतिक्रिया रखुला जे मिलर कहती लेबर आसुना कहीं अधिक खरा होते परिमाण कहीं गोटे दिन में पाखापाखि 40 अधिक गाड़ी आसे एत परिमाण धान किभल अनलोड करेंगे ये मिलर पर गोटे गोटे प्रकार बड़ चिंता होता है अंपटे चाषी बड़ चिंता होती कहीं दीर्घ दिन हम एटी मिल भितर गोटे पटे मिल भितर और मिल बाहर अनेक गाड़ी छिड़ा होती जे ये धान केतेबेले अनलोड हम चाषी मैं केतेबेले धान ठीक से बिक्री करेंगे आपण जानते प्रथम कर मंडी में जो हिसाब से धान बिकवा कथा मंडी में निजे चाषी जा धान बिकुची आठना कौटी सेठ मंडी आनला चाषी कौटिना कौटी मिल को धान रोचे आ मिल कौटिना कौटी एटी मिलर शोषण होता कथ सामना करें आप देखुले आम चित्र देखुलू भितर जो रही मिले ये मिल भितर कि दीर्घ 3-4 दिन हम मिलर गाड़ी छिड़ा होती धान लोड होती ट्राक्टर ट्रक मानक गोटे पटे जो चाषी मैंने अभियोग करते सीधा सल जितेबाला दीर्घ दिन धरी गाड़ी छिड़ा होती कौटिना कौटी यार भड़ा अधिक ये भड़ा कौटिना कौटे दूट जो हिसाब से धान बिक्री करूँ बढ़ी जाऊँच चाषी मैंने अभियोग अंपटे मिलर मैं से हिसाब से प्रतिक्रिया रखुते जे देखुले मिलर कहते लेबर समस्या रोचे गोटे दिन अधिक गाड़ी आसू अनेक समस्या उपजुच्छी तो निश्चित पक्ष सब बड़ कथा ये जिला प्रशासन किभली जो हिसाब से टार्गेट अच्छी जो हिसाब से धान मिलर किणुंट किभली फुलफिल करेंगे कहीं जो मिले आम थे पाखापाखि जो कहते जिते परिमाण धान किणवा कथा मिल ग्रहण करने कथा से परिमाण धान बर्तमान समय ग्रहण कर पाए आउ भी अनेक धान ग्रहण करने रही तो निश्चित पक्ष सब बड़ कथा है गोटे पर गोटे आप देखुए ट्रक आम जो देखुले खबर या पूर्व जो ट्रक देखुले आम से ट्रक देखुए बर्तमान समय जोटी धान अनलोड हाँ से स्थान बर्तमान समय पहुंची अंपटे देखुले जो हिसाब से मिल भितर और मिल बाहर जितेबाला गाड़ी छिड़ा होती धान अनलोड करके ये सब अधिक चिंता हो
ହେଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇବ ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଚାଷୀ କେତେ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମିଲର ଓ ଚାଷୀ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପେଶୀ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ମିଲରର ଯେଉଁ ରହିଛି ମିଲ୍ ଭିତରେ ଆସିକି ଧାନ ଗାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ଇଏ ସବୁଠୁ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ଏଥିପ୍ରତି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା ଯେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଆଣିକି ଏଠିକି ତୁରନ୍ତ ଅନଲୋଡ଼ କରୁଥିବା, ଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମିଲର ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଏଠିକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିଆଯାଉନି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଠିକୁ ଧାନ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କ ଧାନ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁ ରଖିବ, ଏ ନେଇକି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଓ ମିଲର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତ, ନିହାତି ମଡ଼ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ କଥା ଶୁଣାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯାହା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମଣ୍ଡି ବିକ୍ରି ବେଳେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା କଥା, କାରଣ କେବଳ ମିଲରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ହେବନି। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀଟିଏ ଯାଉଛି ସେଠି କଟନୀ ଛଟନୀ କଥା ଆସୁଛି, ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ପୁରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖି ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା, ଏବଂ ଖାସ କରିକି ବରଗଡ଼ କଥା ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ବୋନସ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ MSP ର ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ବୋନସ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀଙ୍କର ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷର ବି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ଯାହାକି ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ରହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଗଣେଶ ରଣା ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଉଥିଲେ ସେଠାକାର କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏ ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କମସେ କମ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ସମାଧାନର ବାଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବାହାର କରିବେ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।